ar Rahim okay students today we are going to study the devoted friend, uh, a beautiful story written by Oscar Wilde and uh, uh, earlier on I just wanted to go through the summary of this story, but uh, later on I decided that uh, it is uh, better to go through uh, the complete story to learn the beauties of the language of this, this story and also to see how Oscar Wilde has beautifully communicated his message so oscar wilde is one of the most uh, prominent writers of 19th century he was born in 1854 and uh, died in 1900 and was one of the most elegant writers of the late 19th century elegant means Bhati shandar or badi nafis or khubsurat wala. elegant he was uh, one of the foremost exponents of the doctrine of art for art's sake

अपनी बात जो है एक ख़ूबसूरत नजम या एक ख़ूबसूरत कहानी या एक खूब इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज में पेश करनी चाहिए और उसको वाजो नसीहत वाला अंदाज जो है नहीं अपनाना है और ना ही वाजे करना है उसने कि वो कौन सा मैसेज देना चाहता है अपनी अपनी नज़मों के ज़रिए से या अपनी कहानी के ज़रिए से हाँ अगर कोई मैसेज है तो वो ऑटोमेटिकली पढ़ने वाले के दिल को रूह को जहन को आटोमेटिकली अपील करेगा और उसके नतीजे में वो तब्दील होगा तो ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया था ऑस्कर वाइल्ड का कि आपके आपके अदब में आपकी कहानी में आपके आपकी नजर में ही इतनी खूबसूरती और इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो है उसके दिल की दुनिया तब्दील हो जाए बजाय इसके कि आप जोर जोर से उसको जो है कहना शुरू करें भाई सच बोलना चाहिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए तो इसके बजाय जो है अगर आप उसको एक ऐसी कहानी सुना दें तो जो कि उसके उसके दिल को तब्दील कर दे तो ये ज्यादा बेहतर है जी वही बात कर दी, इसने arguing के uh, art for art से किसी से बहस करती है, दीग्यूंग का मतलब बहस करना दैट आइथेटिकेशन के जो फन के अंदर आपकी खूबसूरती है जो जमालियाती जो कंसिडरेशन है या वो चीजें जो कि आपके पेशे नजर होनी चाहिए दे शुड भी गिवन फर्स्ट प्लेस इन लिटरेचर उनको जो है आपके अदब में फर्स्ट uh, प्लेस मिलनी चाहिए बजाय इसके क्या आप वाजो नसीहत और पंदो न से काम लेना शुरू कर देसफोर्ड ही अर्ली इन करियर ही पब्लिश पोएम्स एंड डिलइटफुल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन हीम डेजलिंगली फेमस विद नॉवेल डॉरियन ग्रे एंड हिज प्लेस

जब उसने लिबल माने इल्जाम लगाया मार्किस बरी के खिलाफ उसने ये चार्ज लगाया था माना उस पर झूठा इल्जाम लगाया या इल्जाम लगाया और उसके नतीजे में जो है आ, he was charged against himself और उसको जो है फिर की आ, पादाश में उसको आ, जो है दो साल की सजा हुई फॉर ऑल any desire to make a एंड commentary ऑन लाइफ द डिवोटेड फ्रेंड इज something मोर देन

और उसका ये पोज के वो डिस्क्लेम करता है कि वो मॉरल कमेंट्री जो है जिंदगी पर नहीं करना चाहता है जिंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये लोगों पर वाजे नहीं करना चाहता है द डिवोटेड फ्रेंड इज समथिंग मोर देन एन एक्सक्लूसिटली टोल्ड लिटिल स्टोरी इन सारे पोज़ेस के बावजूद जो, जो है डिवोटेड फ्रेंड uh, जो है वो इनसे कहीं बढ़कर एक इंतहाई गहरी और खूबसूरत कहानी है जो कि इंतहाई खूबसूरती से बयान की गई है टोल्ड का मतलब इंतहाई खूबसूरती से जो है बयान की गई है। कॉमिकली वन साइडेड फ्रेंडशिप बिटवीन पुअर हां एंड मिलर इट इज बोथ टेंडर एंड बहुत ही नाजुक भी है और बहुत ही गहरी भी है जिस तरीके से उसने ट्रीट किया है जिस तरीके से उसने डिस्कस किया है जो कॉमिकली फ्रेंडशिप है, का मतलब कि एक तो वाकई दोस्त है लेकिन दूसरे को किसी भी लिहाज से इस कहानी में उसका दोस्त नहीं कहा जा सकता है तो ये एक इंतहाई मज़ाहिया सूरत हाल है जिसमें हांस और मिलर जो है वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं तो लेट्स गो थ्रू द स्टोरी स्टूडेंट्स और हम देखते हैं कि कैसे ऑस्कर वाइल्ड का ये जो नज़रिया है आर्ट फॉर आर्ट्स से का वो इस कहानी के अंदर अपनी खूबसूरती के साथ जो है वो जलवा नुमा नजर आता है सो वन मॉर्निंग द ओल्ड वाटर रेड पुट हिज हेड आउट ऑफ हिज होल He had bright beady eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. Whiskers कहते हैं लंबी-लंबी मूंछों को. So water rat had stiff ग्रे विस्कर्स उसकी जो है बड़ी ही uh, जो सी, uh, जो है है सी अकड़ी हुई ग्रे कलर की विस्कर्स थी उसके मूचे थी एंड हिज टेल वॉज लाइक ए लॉन्ग बिट ऑफ ब्लैक इंडिया रबर और उसकी उसकी टेल ऐसी थी जैसे कि लंबा सा कोई जो है ब्लैक कलर का रबर हो द लिटल डग वउट इन द पॉन्ट लुकिंग जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ येलो कैनरीज कैनरी इज अ वेरीफुल बर्ड चिड़िया के जैसा एक परिंदा होता है खूबसूरत जिसको कि लोग अमूमन पिंजरे में भी कैद करके रखते हैं और उसकी आवाज जो है बहुत प्यारी होती है बेस्ट सोसाइटी नाउ एंड शोड How it was done. Every now and then, बार बार जो थी एवरी नाउ एंड मतलब बार बार मुसलसल वो आ, उनको जो है अपने सर पर खड़ा होकर दिखाती थी कि कैसे अपने सर पर जो है अपने पानी में खड़े होना है और इसकी वजह क्या है कि ये एक उनके नज़दीक एक ऐसा रिवाज था ये एक ऐसी स्किल थी जो कि तमाम आ, डक्स को आनी चाहिए अगर वो बेस्ट सोसाइटी में अगर वो मुशरे में इज्जतदार कहलाना चाहते हैं तो आप देखें कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को बचपन से ही मुआरे के जो असूल हैं या जो जो मुआरे के अंदर जो बातें हैं वो सिखाते हैं कि जनाब ऐसे उठना है ऐसे बैठना है ऐसे खाना है ऐसे पीना है यूँ चलना है और ये तालीम है और इस किस्म की चीज़ें आपने सीखनी है ऐसे आपने बिहेव करना है और उसका मकसद क्या होता है सोसाइटी सोसाइटी जो है वो हम पर अपना एक असर डालती है और हमें मजबूर करती है कि आपने

ऑस्कर वाइल्ड जो है कितनी खूबसूरती से सादगी से बयान कर रहा है कि वो डक्स जो थे छोटे बच्चे जो डकलिंग्स जो थे वो बिल्कुल अपनी माँ पर तवज्जो नहीं दे रहे थे और आपस के खेल कूद में लगे हुए थे क्योंकि वो इतने छोटे थे कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि सोसाइटी के अंदर रहना कितना मीनिंगफुल है और कितना इम्पोर्टेंट है वॉट एन एडवांटेज इट इज टू बी इन सोसाइटी एट ऑल और ऐसा होता है अः हमारे माँ बाप भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और लेकिन जब हम लेकिन जब तक हम छोटे होते हैं हम उन चीज़ों को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं देते हैं लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें सोसाइटी की अहमियत का पता चलता है या सोसाइटी का एक इम्पैक्ट हम पर आता है या सोसाइटी में हम अपना आप मनवाना चाहते हैं तो हम भी वही काम करते हैं जो कि सोसाइटी चाहती है कि हम करें ताकि हम जो हैं उनकी उन वैल्यूज़ के ऊपर या उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरे उतर सकें जो कि लाजमी है आ, हमें आ, हमारी कदरो कीमत के लिए सोसाइटी में आ, वाटर रेड ये सब कुछ देख रहा है और वाटर रेड कहता है कि व्हाट डिसोबीडिएंट चिल्ड्रन कितने नालायक बच्चे हैं क्राइड द तो वाटर रेड वाटर रेड चिल्लाया दे रियली डिजर्व टू बी ड्रॉउंड इनको तो डूब मरना चाहिए जैसा कि अमूमन बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बच्चों को शरारत करते हुए देखते हैं तो बाज जो बड़े ही सडियल किस्म के बुजुर्ग होते हैं वो कुछ से भी बिहेव करते हैं, जैसे कि वाटर कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं uh, माना हर एक को जो है किसी नए काम को सीखने के लिए कोई इब्तदा तो करनी होती है और पेरेंट्स भी कभी कभी गुस्से में आ ही जाते हैं पेरेंट्स कैन नॉट बी टू पेशेंट हमेशा वो सब्र से काम नहीं लेते हैं तो आई I मीन mean, एक मदर डक जो है वो एक माँ है तो उसे पता है कि बच्चे क्या होते हैं और माँ बाप की फीलिंग्स क्या होती हैं आई नो नथिंग अबाउट द द फीलिंग्स ऑफ पेरेंट्स वाटर अबाउटिंग्स आई एम नॉट अ फैमिली मैन इन फैक्ट आई हैव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज मच हायर इंडीड आई नो नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज ईदर नोबलर और रेयरर देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप मुझे पेरेंट्स की फीलिंग के बारे में पता नहीं क्योंकि आई हैव नेवर बीन मैरिड एंड आई आई नेवर इंटेंड टू बी और मेरा इरादा भी नहीं है इंटेंड का मतलब इरादा होना अल्लाह विजुअल वेरी वेल अब देखें कि यहाँ पर जो है मैरिज जो है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप एक दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं uh, मर्द जो होता है वो uh, उस वो जो खातून जो जिसके उसके साथ शादी होती है उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि ही विल टेक केयर ऑफ हर औरत भी जो है उस मर्द का ख्याल रखने की दे बोथ आई मीन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पी एंड टेकिंगयर ऑफ ईच अदर लेकिन ये जो एक ऐसा रिश्ता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिश्ता है इसके अंदर जो है ये वाटर रैड जो है वो बंधना गवारा नहीं करता है जिससे कि आपको पता चलता है कि वाटर रैड जो है वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन हकीकत में जो है सच्चाई से जो है उसका अमल और उसकी रूह जो है वो खाली है सो लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे

ड्यूटीड uh, प्रे का मतलब की ड्यूटीज क्या होती है ना एक ग्रीन कलर की लेनर्ट ने, लेनर्ट ने सवाल किया वो आर सिटिंग ऑन अलो ट्री हार्ड बाय हार्ड बाय माने करीब ही वो बैठे बैठा हुआ था और उसने कहा कि and had overheard the conversation और उसने अचानक इन दोनों की गुफ्तू को सुन लिया Over here का मतलब होता है किसी चीज को लिहाजा वो, तो he वो भी उनकी गुफ्तू में आकर शामिल हो जाता है और पूछता है कि, जरा तो सही कि ये एक डिवोटेड फ्रेंड जो होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं yes. that is just what i want to know said the duck and she swam away to the end of the pond and stood upon her head in order to give her children a good example uh, is par jo hai mother duck bhi jo hai unke sath baat karne ke liye jo hai टू uh, द of the pond आ गई यानी कि पॉन्ड के किनारे पर आ गई और किनारे पर आने से पहले उसने एक बार जो है she she stood upon her head अपने head पर जो है एक दफा दोबारा खड़ी हुई mother duck

वो मेरे साथ जो है वफादार हो सच्चा हो मेरे साथ लिटिल बर्ड स्विंगिंग अपॉन एंड फ्लैपिंग हिज टाइनी विंग्स अब देखिए कि वो जो मंजर कशी है उसको कितने जबरदस्त तरीके से ऑस्कर वाइल्ड कर रहा है कि वो जो लिटिल बर्ड है लिनेट ग्रीन लिनेट वो बैठा हुआ है एक स्विंगिंग एक सिल्वर एक स्प्रे के ऊपर स्प्रे कहते हैं टहनी कोई पतली सी टहनी दरख्त की तो उस टहनी के ऊपर वो बैठा हुआ है और उसके बोझ से वो स्विंग कर रही है झूल रही है तो वो उस पर जो है झूलने की वजह से वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है फ्लैपिंग इस टाइनी विंग्स अपने छोटे छोटे विंग्स को परों को जो है वो फड़फड़ाता है ताकि वो जो है उस पर बैठा रहे आई डोंट अंडरस्टैंड यू आंसर द वॉटर

यानी कि कौन सी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है वो कहानियाँ जिनमें उसका जिक्र आए उसके बारे में बात की जाए और वो कहानियाँ ये इससे भी पता लगता है कि वो वाटर राइड जो है वो कितना अपनी ही ज़ात के अंदर इंटरेस्टेड है तो जो सेल्फिश लोग होते हैं वो हमेशा अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं और दूसरों को भी जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं और इसके लिए जो है उनके पास बड़ी चर्ब जुबानी की सलाहियत होती है बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी बातें वो करना जानते हैं जिससे कि वो लोगों को जो है अपने अपने मकाद के लिए इस्तेमाल कर सकें और यही क्वालिटी जो है हमें वाटर रैट के अंदर भी नज़र आ रही है लिनेट उसको कहता है कि इट इज एप्लीकेबल टू यू कि हाँ ये कहानी तुम पर भी लागू होती है एप्लीकेबल का मतलब लागू होना आंसर द लिनेट एंड ही फ्लू डाउन एंड एलाइटिंग अपॉन द बैंक ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड लिहाजा वो उड़कर नीचे आया एलाइट का मतलब उतरना जैसे कि जहाज जमीन पर उतरता है तो उसको भी हम कह सकते हैं कि द प्लेन हैज एलाइटेड अपॉन द अपॉन द ग्राउंड तो अलाइटेड अपॉन द बैंक यानी कि किनारे पर उतरते हुए जो है ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड और उसने फिर डिवोटेड फ्रेंड की कहानी को सुनाना शुरू किया